सिवनी जिले की घनसोर तहसील में ग्राम पंचायत अरी के अनुपयोगी सामान को चोरी से बेचने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सचिव यशवंत परते ने बताया कि दिनांक 15/5/2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। अनुपयोगी सामान दिनांक 17/9/2020 को नीलामी की प्रक्रिया कर बेचा जाएगा। अनुपयोगी सामान बिक्री की शासकीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, पर आज दिनांक 18/9/2020 को बिना नीलामी के उक्त सामान बेच दिया गया, जिसकी जानकारी न सरपंचों को है और न ही वर्तमान सचिव को। ग्राम पंचायत के चपरासी शिव कुमार ने बताया कि रविंद्र वानसनिक सचिव ग्राम पंचायत बोरीखुर्द और अब्दुल मलिक खान सरपंच ग्राम पंचायत अरी और उत्तम गोपचे पंच वार्ड क्रमांक 12 पंचायत अरी द्वारा बेचा गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा अधिकारियों की शिकायत की गई और थाना प्रभारी अरी से प्रकरण जांच कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु लिखित रूप से निवेदन किया गया। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम माया सोनवानी है। मैं ग्राम पंचायत अधि की सरपंच मतलब प्रधान है, और मुझे किस चीज़ के बारे में पूछना। जो 18 सितंबर 2020 को जो विस्तृत सामान विक्रय किया गया है, उसके संबंध में आपको क्या जानकारी है? सर, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। विक्रय हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी नहीं पता सर मुझे। आप स्टॉक में चेक तो करवा लीजिए। जी, क्या है? शिव कुमार सोनवानी। 18 सितंबर 2020 को जो वेस्टेज सामान बेचा गया था ग्राम पंचायत अरी के अंतर्गत, उसमें कौन लोग सम्मिलित थे? उस समय सचिव रविंद्र वासनिक सर थे। हाँ। और उत्तम गोपचे मालिक पटेल। हाँ, तो किसने बोला था ये कल? हाँ, इन्हीं ने तो बोले थे सर, मतलब उन्हीं ने लेबर से निकलाए सब ने, गाड़ी आई उन्हें नपवाए और ले गए। ठीक, अभी ग्राम पंचायत अरी का मैंने प्रभार नहीं दिया है और ना ही मेरे को किसी प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ है। सूत्रों से जानकारी लगी है कि रविंद्र वासनिक जो अभी वर्तमान में सचिव हैं बोरीखुर्द को, उनको अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत हरी का दिया है, जिन्होंने 17 सितंबर को यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कर लिया है, लेकिन अभी मेरे द्वारा उन्हें प्रभार नहीं दिया गया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत हरी का प्रभार मेरे ही पास। विक्रय की क्या प्रक्रिया थी? विक्रय की प्रक्रिया नियम के अनुसार ये थी, 17 सितंबर को जब हमने 15 सितंबर को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया था कि 17 सितंबर को नीलामी करा के और वो सामान को विक्रय किया जाना था, और नीलामी के दौरान पूरी पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के उपस्थित नागरिकों के सामने उसकी बोली लगाई जाती विधिवत नियम के अनुसार और वो सामान को फिर विक्रय किया जाना। तो क्या ऐसा किया गया? नहीं, ऐसा नहीं किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।